सो हेलो हिप हॉप के दीवानों, कैसे हो भाइयों आप सब। शुरू करते हैं एमीवे वर्सेस किंग से। सो फिलहाल बड़े बड़े बॉलीवुड पेजेस भी जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं किंग वर्सेस एमीवे कवर कर रहे हैं एंड एक पोल भी रखा है कि आप लोग किस साइड हो, एमीवे या फिर किंग। तो वहां वोटिंग में एमीवे जीत रहे हैं और इस पे बंटा रिकॉर्ड्स के मिंटा ने भी कहा है दी गैप इज रियली बिग। खैर एमीवे ने जो डिस्ट्रैक्ट में महीप सर की एक लाइन यूज करी है मम्मी की ऐसी है वाली, तो महीप सर ने उसको अपनी स्टोरीज पे शेयर करा है। इवन महीप सर एमीवे को फॉलो भी करने लगे हैं। खैर इसके अलावा किंग के डिस्ट्रैक्ट पे भी रागा भाई ने कुछ ऐसा रिएक्ट करा। इवन श्लोका ने कॉमेंट करते हुए कहा चा मोदी है। बढ़ते आगे, जैसा किंग ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि एमीवे इज नॉट 100% इंडिपेंडेंट, तो उस पे सुल्तान नेशन जो कि म्यूजिक से रिलेटेड कंटेंट तो बनाते ही हैं बल्कि वो कुछ लेबल्स के हेड भी हैं, उनका किंग की स्टेटमेंट पे कहना है नो एसोसिएशन विद एनी लेबल, नो आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसी एंड यूजिंग अ डिस्ट्रो टू डिस्ट्रीब्यूट हिज सॉन्ग्स, एमीवे इज 101% इंडिपेंडेंट। बढ़ते आगे, तो भर्ग ने दिखाया 5 साल पहले वो एमीवे के सॉन्ग्स पे कमेंट करते थे अपने नए रिलीज से रिलेटेड। खैर आप देखिए, उन्होंने एक क्लिप शेयर करी है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एमीवे कैटलॉग बिकॉज़ ऑफ द एंटायर बीफ स्टफ एंड Then there's me, guys. My debut sing five years back. It's EDM funk. Do check it out. एंड साथ में भर्ग ने कहा भी है कि उनको अब ऐसा नहीं करना पड़ता बिकॉज अब तो सब जान ही चुके उन्हें। बढ़ते आगे, तो GD47 ने अपने एक अनरिलीज ट्रैक का स्निपेट शेयर करा है, आप लोग भी सुन लो। तो बस यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।